इस ने बरसे इक्तदार आते ही सबसे पहले तो यह किया कि इसने अपने मुखालफीन के खिलाफ झूठे केसेस बनाए। सबसे बड़ा इसका शिकार मैं हुआ कि मेरे खिलाफ इसने एक ऐसा केस बनाया जिसको इसके अपने लोगों ने भी तस्लीम नहीं किया, जिसको दुनिया भर में किसी ने तस्लीम नहीं किया, और सब ने इसकी लान तान की कि ये तुमने क्या जो है वो काम किया है, ये किस किस्म का जो है वो झूठा केस बनाया है मियां साहबान के खिलाफ, बाकी तमाम कायदीन के खिलाफ जो है वो झूठे केसेस बनाए। और खुद ये उस वक्त कहता था कि अगर कोई बीमार हो गया है जेल में तो उसे मेडिसिन ना दी जाए, क्योंकि ये तो सारा मकरो फरेब हो रहा है, ये बहाने साजी हो रही है। लेकिन अब आप मुकाफात अमल देखें कि अपना फिर हाल ये है कि खुद वाकई जो है ये मकरो फरेब करता रहा, और इसकी टांग के ऊपर प्लस्तर जो है वो 6 महीने से उतर नहीं रहा था और वो ठीक नहीं हो रही थी। जिस दिन रेंजर्स ने पकड़ा तो पहले ही झटके में जब सबसे पहले टांग ठीक हो गई और उसके साथ दौड़ लगानी शुरू कर दी इसने।